महाराष्ट्र नव निर्माण सेना नागपुर शहर द्वारा बुधवार को 10:30 बजे पार्टी नेता एवं प्रवक्ता संदीप देशपांडे, अविनाश जाधव, राजभाव उंबरकर, शहर अध्यक्ष विशाल बड़गे एवं शहर अध्यक्ष चंदू लाड़े की उपस्थिति में नागपुर सुधार परियोजना में अधिकारियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार और इसके कारण आम लोगों के शोषण के खिलाफ मन से नागपुर शहर द्वारा एक अभिनव मार्च का आयोजन किया गया है, ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी गई है। आर्थिक रूप से वंचित समूह हेतु आरक्षित अधिनियम में अतिक्रमणकारियों को भूखंड आवंटन के संबंध में भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों की विभागीय पुलिस से जांच कराकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए तथा अतिक्रमणकारियों को शीघ्र भूखंड आवंटित किया जाए। काली सूची में डाले गए ठेकेदारों को विकास कार्यों का अवैध आवंटन और घटिया कार्य पूछताछ हो, ऐसी मांग के साथ अन्य कई मांग को लेकर यह मार्च निकाला जाएगा, जिसके विरोध के तौर पर एक बड़गया की प्रतिभा भी बानी जाएगी और बड़गया मार्च निकाला जा रहा है। एनआईटी नागपुर एनआईटी में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसके खिलाफ में हमने 12 मुद्दे उठाए वाले है। उसमें सबसे अहम मुद्दा ये है कि नागपुर पट्टे का मुद्दा है, जिसमें एनआईटी ने लोगों को दिए वाले पट्टे हैं लेकिन उनके जगह पे दूसरे ने अतिक्रमण किए वाला है, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, जनता को न्याय नहीं मिल रहा है। इसी तरीके और बहुत से मुद्दे हैं जिसके ऊपर एनआईटी भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार करवाते जा रही है और यहाँ के राज्यकर्ता भी उनमें शामिल है, इसलिए वो सब जन मिलीजुली सरकार चला रहे हैं और भ्रष्टाचार पे कोई भी पाबंदी लगाने कोई तैयार नहीं है। इस वजह से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने पिछले महीने से कई निवेदन उनको दिए वाले हैं लेकिन उनका कुछ भी एक्शन रिप्लाई ये हमारे को दिखा नहीं, इसलिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आने वाली 13 तारीख को एक भव्य मोर्चा के स्वरूप में एनआईटी के पर धाड़ मारेगी और हमारे सब सवालों का जवाब पूछेगी। अगर वो जवाब नहीं दे पाए, अगर एक्शन नहीं ले पाए, हमारे पास आज की डेट में भी सभी पुरावे हमारे हाथ में है, जो कि एनआईटी को भी पता है, वो पुख्ता सबूत हमारे पास है, लेकिन एनआईटी अगर नहीं मानेगी तो हम अलग तरीके से अगली बार और तीव्र आंदोलन करेंगे या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना स्टाइल हम आंदोलन करेंगे। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।